हेलो एवरीवन, इससे पिछले वाले वीडियो में हम पांच प्रॉपर्टी कवर कर चुके थे डीएफएस की। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो है पीरियोडिक कन्वोल्यूशन। पीरियोडिक कन्वोल्यूशन इसमें क्या होता है, अगर एक्स एन का फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट सी के है और दूसरा सिग्नल है एक जी एन, उसका फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट जी ऑफ के है, देन अगर इन दोनों का मैं सिग्नल का कन्वोल्यूशन कर दूं एक्स एन और जी एन का, देन इनका फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल इनके क्या पीरियड से, एन सी के जी के। ठीक है, तो ये दोनों अभी क्या होने चाहिए, पीरियोडिक होने चाहिए कैपिटल एन से, तो वो कैपिटल एन की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है इनके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं ये तो पता ही है ना, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सॉरी ये इसको कन्वोल्यूशन को, ठीक है इसमें तो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, कन्वोल्यूशन सॉल्व करना आता ही है अगर करना हो तो। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, दो अगर हमारे सिग्नल है एक एक्स एन है उसका फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट सी के है, दूसरा भी सिग्नल हमने जी एन ले लिया जिसका फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट जी के है, देन अगर इन दोनों सिग्नल की मैं इस बार मल्टीप्लाई कर दूं, देन क्या होगा फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट भी कन्वर्ट हो जाते हैं उल्टा एकदम उसका, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे दोनों, यहाँ पे वहाँ पे कन्वोल्यूशन कर रहे थे मल्टीप्लाई हो जाती थी, यहाँ पे सिग्नल का मल्टीप्लाई तो उनका उनका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट का कन्वोल्यूशन। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको लिखना तो कैसे लिखूंगा मैं, कैसे सोल्व करते हैं कन्वोल्यूशन पता है ना, एल इक्वल्स मैं ओवर ए पीरियड सिखाता हूँ जब भी सिखाता हूँ, ठीक है सी के जी के माइनस एल, या पहले जी लिख लो बाद में सी लिख लो, ये तो कन्वोल्यूशन की पता ही है प्रॉपर्टी कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है इसी टाइप से प्रॉपर्टी नंबर 8, ये सारा जो हम कंटिन्यूस में पढ़ा था बिल्कुल सेम चल रहा है उसका, इसमें बस ये इसमें क्या थोड़ा फर्क है, इसमें क्या होता है ये पीरियडिक हो जाता है, वहाँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बात चलती है, यहाँ ओवर ए पीरियड बात चलेगी, क्योंकि इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है डीटीएफएस का वो का क्या होता है पीरियडिक होता है, डिफरेंशिएशन इसमें क्या क्या है, अगर एक्स एन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी के है देन इसका जो डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं डिस्क्रीट की फॉर्म में, ठीक है इस टाइप से होता है, तो इसका जो फोरियर कोफिशिएंट क्या होगा हमें पता है, कुछ नहीं करना इसका सी के ही रहेगा, इसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नोट आ जाएगा, एन नोट की जगह 1 है, ठीक है तो इसका आएगा 1 ई की पावर माइनस जे ओमेगा नोट के, एन नोट की वैल्यू कितनी है 1, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, बाकी का मल्टीप्लाई बाय सी के, क्योंकि सी के दोनों में आएगा ही उसे मैंने लिख दिया बाहर। ठीक है प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर हमारा एक्स एन कैसा है रियल प्लस इवन, तो हमारा इसका जो सी के होगा वो भी क्या होगा रियल और इवन होगा। ठीक है अगर हमारा एक्स एन ऑड प्लस रियल है यानी रियल प्लस ओड है तो इसका सी के क्या होगा, इसका सी के भी क्या होगा रियल की जगह आएगा प्योर इमेजिनरी और क्या सा ओड की जगह ओड। ठीक है प्रॉपर्टी नंबर 10 जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है पार्सेवल थ्योरम, ये हर जगह होती है। ठीक है पार्सेवल थ्योरम किस होती है पावर के लिए, क्योंकि प्योर होगा पावर ही होगी एनर्जी तो होगी नहीं, तो ये क्या बताती है एन हम कैसे कर सकते हैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की हेल्प से भी पावर निकाल सकते हैं, मोड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर जो होता है वो इस होता है किसके, यहाँ पे देखो किसके मोड ऑफ सी के सॉरी मोड ऑफ सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है जहाँ पे के क्या होगा ओवर है पीरियड की बात करेगा है ना, यही होता है, तो ये होता है बस इसमें पावर का फॉर्मूला और कुछ नहीं।
ठीक है, पावर अगर हमें एक्स एन पता है तो हम एक्स एन से निकाल लेंगे, सी के पता हम सी के से निकाल लेंगे, देखेंगे कि हमें जो सी एक्स एन से आसान लग रहा है सी के से उससे पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला पार्सेवल थ्योरम पावर ही बताती है, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो उसकी पावर ही होगी, एनर्जी तो होगी ना। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, पावर सिग्नल होते हैं, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम इन्हीं जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इन्हीं पर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।